गवर्नमेंट ने तो 10 लाख रुपए का लोन दिया था, अच्छा फिर उसके बावजूद मैंने किया कि 4 लाख रुपए में जमीन गिरवी रख के फिर मैंने पैसा एडजस्ट करा, एडजस्ट लग गया, लगने के बाद मैंने खेती की तो पोलिया उसका लोन भी चुका दिया मैंने, तो जमीन गिरवी थी मेरी उस जमीन को भी छुड़वा ली मैंने, उसके बावजूद मैंने जमीन भी ले ली जी, हाँ प्लॉट भी ले लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, हमने ट्रैक्टर भी ले लिया, मेरे को 2014 में 7,000 रुपए महीने का खर्चा भी मेरा था उसी में। अच्छा, पर मेरे तो क्या कि ये लगन थी कि अपन को भी कुछ करके दिखाना है ये जी। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में और मेरे साथ में आप एक युवा किसान भाई को देख सकते हैं जो करीब करीब 10 साल से हाईटेक खेती कर रहे हैं, पोली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं और किसान भाई के पास में काफ़ी सारा अनुभव है, वो पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, किसान भाई की जर्नी भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ खीरे की क्रॉप की पूरी डिटेल भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। राम राम सर। राम राम। राम राम सर। सबसे पहले किसान भाई को अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम है रामोतार मीणा जी, ग्राम दत्तवास से हूँ मैं, नायडा ढाणी से, तहसील निवाई है मेरी, जिला टोंक है, राजस्थान से हूँ सर मैं जी। तो सर जी सबसे पहले बताएं कि हाईटेक खेती में आप आए कैसे, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आप? सर देखो पहले तो मेरे क्या कि बड़े बुजुर्ग थे वह भी किसान थे, जो गेहूं सरसों ये बातें थे जी। तो इसमें कुछ भी नहीं मिलता था कि मजदूरी में पूरे वो जद्दे किसान है जी। तो मैंने ये सोचा कि अपन भी कुछ अलग करके दिखाएं जी। तो मैंने सोचा कि अपन कहीं बाहर चल के कुछ देखें, देख के फिर अपन भी कुछ उनकी पालना का अनुमान लगाएं, कुछ देख करके कुछ नया करें। हाँ हाँ जी। तो मैं गया था इधर जयपुर की तरफ, तो मैंने देखा तो देख के मेरे दिमाग में बैठ गए कि सर अपन भी ऐसा लगाएं जी। अब पैसा नहीं था मेरे पास जी, पैसा नहीं था तो किसी से उधार मांगा तो उधार के लिए मना कर दिया जी। फिर मैंने आप जैसे किसी आदमियों को ये सलाह दी कि यार आप ग्रीन हाउस लगा लो ऐसे जी, और ग्रीन हाउस में आप सफल हो सकते हैं जी। तो मैंने फाइल लगा दी, फाइल लगाने के बाद मेरा नंबर आ गया 2014 में जी। नंबर आने के बाद में मैंने कहीं से एडजस्ट करके पैसा माथे करके जमीन गिरवी दर के मैंने ये पोली हाउस लगवाया सर जी। हाँ तो जमीन गिरवी दरने के बाद बावजूद फिर मैंने इसमें ये खेती चालू कर दी खीरे तो, की। खीरे की। रामोतार जी, जी। शुरुआत में ये जानना चाहूंगा आप घर से जब निकले कहां पे पहुंचे, वहां पे कितने दिन आपने काम किया? सर मैं यहां से निकला था खेमराम जी चौधरी के पास गया था मैं जी। हाँ उनके पास जाके मैंने मजदूरी से
मेहनत करी उनके पास। करीब कितने दिन काम किया वहाँ पे सर? सर मैंने वहाँ पे काम किया था, मैंने कुटोल 7 महीने काम किया था। 7 महीने? 7 महीने काम किया था। तो काफी किसान भाई वीडियो में बोलते हैं कि रोजाना रेंट पे काम करते हैं, हिस्से में काम करते हैं, तो आपने काम किस तरह से किया वहाँ? मैंने तो मजदूरी से काम किया था सर। मजदूरी से काम किया था मैंने। अच्छा, जिस टाइम पे मजदूरी देते मेरे को 2014 में 7,000 रुपए महीने का खर्चा भी मेरा था उसी में। अच्छा, पर मेरे तो क्या की लगन थी की अपन को भी कुछ करके दिखाना है ये जी। हाँ, तो फिर 7 महीने में ही आपने काम को सीख लिया पूरा? बिल्कुल सीख लिया सर मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रुचि थी कि अपन को ये काम करके दिखाना किसान भाइयों को। अच्छा, हाँ, किसान भाई भी आगे बढ़े अपने एक साथ एक दूसरे के देख रहे हैं, जैसे किसान बोलते थे बड़े बुजुर्ग एक दूसरे के होल्ड करना सीखो, तो मैंने भी ये मान लो कि उनकी होल्ड करना शुरू कर दिया, तय कर दिया। बिल्कुल, तो मतलब आपके जज्बा वहीं से पैदा हो गया, मुझे भी कुछ करके दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो उस टाइम पे जब आप 7 महीने घर पे काम करके यहाँ पे आप पहुंचे, तो आपके घर की क्या स्थिति थी? सर मेरे घर में बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ मैं। अच्छा, मेरे ये देख लो कि पानी भी कुछ कम था, तो उत्पादन पानी होगा तो उत्पादन भी होगा जी। तो ऐसे शुरू से ही क्योंकि गरीबी परिवार चल रहा था जी जी, तो मैंने देखा एक दूसरे को देख के, तो मैंने भी ये सोचा कि अपन भी आप कुछ आगे बढ़े और कुछ करके दिखाएं अपन भी जी। हाँ, तो रामोतार जी उसके बाद में आपने फाइल ऑनलाइन कौन से साल में कराई और नंबर कितने दिन बाद आ गया था? मैंने फाइल ऑनलाइन कराई थी सर 2013 में। अच्छा, 14 लास्ट में मेरा नंबर आ गया था। 14 लास्ट में? हाँ जी। तो करीब कितने एकड़ का अपना पोली हाउस है? 1 एकड़ का सर। 1 एकड़? 1 एकड़। 4,000 स्क्वायर मीटर? 4,800 स्क्वायर मीटर मेरा बड़ा। अच्छा, 4,000 से 800 स्क्वायर मीटर बड़ा है। बिल्कुल जी। तो उसके बाद आपका नंबर लगा सर, तो फाइल जैसे आपकी पास हुई उसके बाद में आपने जो डीडी जमा कराई होगी शायद बैंक से, आपके पास डीडी आई होगी, आपका पैसा कितना जमा हुआ डीडी? देखो सब्सिडी लोन काट के 70% सब्सिडी लोन काट के मेरा पैसा जमा हुआ था 14,00,000 रुपए जमा हुआ था जिस टाइम। कुछ पैसा जमा हुआ था 14 लाख कुछ पैसे। हाँ जी। तो आप बता रहे हैं कि आपके घर की स्थिति बिल्कुल डाउन थी, 14 लाख का एडजस्टमेंट कैसे किया आपने? सर मैंने लोन करवाया। अच्छा, हाँ, उसके बावजूद मैंने किसी किसान से जमीन गिरवी रख के पैसा लिया। जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी आपको? जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट ने तो 10 लाख रुपए का लोन दिया था। अच्छा, फिर उसके बावजूद मैंने किया कि 4 लाख रुपए में जमीन गिरवी रख के। अच्छा, फिर मैंने पैसा एडजस्ट करा, एडजस्ट करने के बाद में ये सारा काम सही हो गया, पोली हाउस लग गया। लगने के बाद मैंने खेती की, तो पोली हाउस का लोन भी चुका दिया मैंने, तो जमीन गिरवी थी मेरी उस जमीन को भी छुड़वा ली मैंने, उसके बावजूद मैंने जमीन भी ले ली जी। हाँ, प्लॉट भी ले लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, हमने ट्रैक्टर भी ले लिया। अब सर मैंने ट्रैक्टरों का व्यापार करना शुरू भी कर दिया, इसके साथ साथ में ट्रैक्टर का व्यापार भी शुरू कर दिया सर। कर दिया सर जी। तो रामोतार जी अब आगे की जर्नी जानना चाहेंगे, करीब करीब आपका जो पोली हाउस है कौन से साल में लगा था अपने खेत में? ये मेरा लगा था सर 2014 लास्ट में। लास्ट में लग गया? बिल्कुल जी। तो उसके बाद में आपने कौन कौन सी फसलें ली अपने पोली हाउस में? सर मैंने देखो सबसे ज्यादा फसल तो मैंने क्या कि खीरे की ली थी। अच्छा, एक फसल मैंने शिमला मिर्ची की भी ली थी जी। तो शिमला मिर्ची में क्या कि मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं मिला जी। हाँ, क्योंकि खीरे में तो क्या कि वजन का पैसा है जी। अब उसमें तो जैसे 20 किलो की एक थैली भरती है ना, तो उसमें तो 2 थैली भरती है 20 किलो की। तो मैंने अनुमान लगाया कि शिमला से तो अच्छा अपन खीरे में ठीक रहेंगे। खीरे में? हाँ, तो खीरा ही करते हो आप? खीरा ही करते हैं सर। मैं तो जी मैंने गेंदा भी लगाया था जी। हाँ, उसमें कोई खास गेंदा भी लगाया था मैंने, जैसे लॉकडाउन चला था ना जी, उस टाइम पे मैंने गेंदा लगाया था। तो फिर 2022 में वो लॉकडाउन आ गया था, लॉकडाउन आने के बाद में मेरा गेंदा भी बिल्कुल खत्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि रामोतार पीछे पड़ गए, अब क्या करें। फिर मैंने उम्मीद करके ये सोचा कि खीरे लगाओ, खीरे में से कमाएंगे पैसा आप जी। ये करा मैंने सर जी। तो रामोतार जी अब आगे का प्रोसेस थोड़ा समझना चाहेंगे, जैसे कोई नया किसान भाई इस फील्ड में आना चाहे। बिल्कुल आओ सर। आपके हिसाब से काम को सीखने में करीब कितना टाइम लग सकता है उसको? देखो सर दिमाग है ना जी, दिमाग से तो 5 से 6 महीने में आदमी एक्यूरेट समझ जाता है जी। नहीं समझने वाला तो सर 12 महीने में भी नहीं समझता। नहीं समझता? हाँ, थोड़ा मतलब दिल से करना होगा, दिमाग से करना होगा काम को। दिमाग से करना होगा तो सर इसमें 5 से 6 महीने में बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, कंप्लीट बिल्कुल सीख जाएगा जी। एक और जानकारी, आप बिल्कुल गरीब परिवार से थे, बिल्कुल आज आप बता रहे हैं आपने जमीन भी ले ली, प्लॉट भी ले लिया, ट्रैक्टर भी ले लिया, आज आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है आपकी दया से। कोई नया किसान भाई इसमें आना चाहे,
आप इसको खेती मानते हो कि बिजनेस के तौर पे देखते हो? देखो सर, मैं तो एक तरह से बिजनेस ही मान लिया मैंने तो ये। अच्छा, बिल्कुल बिजनेस मान लिया। खेती तो है ही अपनी, बाकी मैंने के साथ साथ मैंने बिजनेस मान लिया अपना, ये भाई अपना खुद का बिजनेस है ये। खुद का बिजनेस है बिल्कुल। तो अब सर आगे का जो खीरे का प्रोसेस है, थोड़ा खीरे का प्रोसेस जानना चाहेंगे आपसे। जैसे नया किसान भाई तो आता है इसमें, जैसे ही आपका पोली हाउस कम्प्लीट हुआ, तो आपने पोली हाउस की तैयारी किस तरह से की, कौन सा खाद डाला, एक एकड़ में कितना खाद डाला, थोड़ा वो भी बताएं किसान भाइयों। सर देखो, एक एकड़ के अंदर मैंने खाद डाला 20 ट्राले गोबर का खाद, गोबर खाद 20 ट्राले जी। हाँ, उसके बावजूद 20 ट्राले के बावजूद मैंने डाला इसमें, जैसे आपने ये आता ना जिप्सम, जिप्सम डाला था सर मैंने इसके में अंदर 20 कट्टा 20 कट्टे हाँ जी। इसमें 2 कट्टा DAP डाला मैंने, और कुछ भी नहीं डाला सर इसके अंदर, और कुछ नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला मैंने। उसके बाद में फिर तैयारी करने के बाद में बेड बनाने का क्या प्रोसेस रहता अपना? बेड बनाने का प्रोसेस ने कुछ नहीं डालता हूँ सर मैं तो। अच्छा, लोग डालते हैं, केक डालते हैं, तो उसमें क्या कि सर बेड में डालते हैं ना तो उसे क्योंकि बीमारी ज्यादा पैदा होती है। अच्छा, इसलिए हम नहीं डालते हैं ये। सिंपल आप बेड बना देते हो? बिल्कुल सिंपल, बेड बना के 20 रुपए चालू कर देते हैं सर। करीब बेड से बेड की कितनी दूर रखते हो सर? बेड की बेड से दूर रहती है सर 4 से 5 फुट 4 से 5 फीट बिल्कुल जी। तो करीब करीब अगर एक एकड़ की बात करें, कितने बेड होंगे अपने पोली हाउस में? मेरे पोली हाउस में बेड है सर 27 बेड है टोटल, 27 बेड एक साइड, 27 बेड पूरा आर पार। अच्छा, अगर दोनों साइड का लगाएं तो 54 बेड है, 54 बेड है जी। तो उसके बाद बेड भी तैयार कर लिया बिल्कुल, उसके बाद में पहले ड्रिप बिछाते हो, बीज रोपण करते हो? पहले ड्रिप बिछाते हैं सर। अच्छा, पहले तो बेड को तैयार करते हैं जी, तैयार करके फिर ड्रिप बिछाते हैं, ड्रिप बिछाने के बाद में फिर इसमें पानी छोड़ देते हैं जी, फिर उसके बावजूद बीज लगाते हैं, उसके बाद बीज लगाते हैं, उसके बाद बीज से बीज की कितनी दूर रखते हो? बीज की बीज से दूरी रखते हैं 80 सेंटीमीटर से 85-90 सेंटीमीटर तक की। इतनी रखते हो? बिल्कुल इतनी रखता हूं। बीज अंकुरित होने में कितना टाइम ले लेता है? सर 2 से 4-3 दिन बाहर निकलाता है। हाँ, उसके बाद में जो बेसल डोज चलाते हैं, थोड़ा उसका तरीका ही बताएं किसान भाई। बेसल डोज में जैसे मैंने तो शुरू प्रथम में तो ये डालता हूँ मैं तो, जैसे ये वेस्ट डिकम्पोजर है ना जी, इसी को चलाता हूँ शुरू में। अच्छा, हाँ, वेस्ट डिकम्पोजर का ड्रम बना लो, ड्रम बनाने के बाद में फिर बेड में पानी छोड़ेंगे ना अपन, तो पानी में जैसे 50 से 60 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर छोड़ दो पानी के अंदर, तो उसे क्या कि जो जमीन में फंगस वगैरह रहती है ना जी, ये फंगस नहीं लगती है इसमें पौधे में जी। हाँ, तो इसके बाद में जैसे मान लो अपन लगातार पानी भी चला रहे हैं, आप अपना बेसल डोज भी चला रहे हैं उसके साथ में, तो पौधा अपना इस पे धागे पे चढ़ाना है लाइक कितने दिन में तैयार हो जाता है? देखो, पौधा धागे से, जैसे पौधा जमीन से निकलता है ना, तो उसे 30 से 35 दिन में तार क्रॉस कर लेते हैं, पौधा क्रॉस कर जाता है बिल्कुल। अच्छा, प्रोडक्शन चालू हो जाता है, तार से 1-2 फीट नीचे रहता है ना पौधा जी, उससे क्रॉप चालू हो जाती है। करीब बीज रोपण के कितने दिन बाद में प्रोडक्शन मिलने लग जाता है? प्रोडक्शन मिलता है सर 30 से 35 दिन तक चालू हो जाती है। चालू हो जाती है बिल्कुल। एक बार किसान भाई को वैरायटी बता दें अपनी। देखो, बीज की सिस्टम यह है कि मैंने हर तरीके का बीज लगा लिया जी। अब की बार बीज लगाया मैंने सबसे अच्छा सस्ता सुंदर कुकु 3D के नाम से आता है। अच्छा, हाँ, ये बात हो गई वैरायटी की। हाँ जी। इसके बाद में सर आगे करीब करीब अपन गर्मी की क्रॉप लगाते हैं, ये कितने महीने चल जाती है? गर्मी की क्रॉप चलती है 3 से 3.5 महीने चलती है गर्मी क्रॉप तो। अच्छा, हाँ। और सर्दी वाली? सर्दी वाले 4 से 5 महीने 4 से 5 महीने बिल्कुल। सर नया किसान भाई समय का चुनाव नहीं कर पाता बिल्कुल, कौन से समय पे बीज रोपण करें ताकि अच्छा प्रॉफिट इसे ले सकें, तो आपके हिसाब से गर्मी वाली फसल का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है बीज रोपण के लिए? देखो, सितंबर में लगा दो फसल ये। अच्छा, हाँ, सितंबर की फसल का अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा, तो अच्छी क्रॉप चलेगी। इसमें क्या कि जैसे बारिश का मौसम रहता है ना, तो बारिश के मौसम में सबसे सुंदर काम रहता है, क्योंकि इसको ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, हाँ। और अगर सर्दी वाली फसल की बात करें तो? सर्दी वाली फसल में लंबी चलती है, बाकी प्रोडक्शन कम मिलता है। उसका बीज रोपण कब करें किसान भाई? दिसंबर के में। दिसंबर में बिल्कुल, दिसंबर में कर दो जी। तो सर ये भी बता दें, किसान भाई बार बार कमेंट करते हैं, एक एकड़ के पोली हाउस से करीब करीब हम 12 महीने की दोनों फसल से कितने टन माल ले सकते हैं? देखो, 12 महीने की दोनों फसल से माल ले सकते हैं, अच्छी मेहनत करेंगे हम तो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा अपन को जी। अच्छी मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अच्छी प्रोडक्शन करने का मतलब ये है कि 100 टन तो कम से कम नॉर्मल मान लो दोनों फसल का, इतना तो मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। इतना तो नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे क्या, क्योंकि खर्चा कितना कितना दोनों फसल में 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा होता है इसमें जी बिल्कुल।
और ओवरऑल मार्केट भी आपने बहुत देख लिया, 10 साल हो गए आपको, करीब करीब खीरे का मार्केट में दाम क्या रहता है सर? देखो नॉर्मल से नॉर्मल चलता है 15 से 20 रुपया। अच्छा, इससे कम तो होता भी नहीं है जी। हाँ, और ज्यादा भी कितना? ज्यादा 40 से 45 भी चल जाता है सर। चल जाता है, बिल्कुल चल जाता है। अभी माल कहाँ पे सेल करे और अभी के टाइम पे क्या दाम चल रहा है सर? देखो इस टाइम पे माल चल रहा है 24 से 25 रुपए प्रति किलो। अच्छा, हाँ, जयपुर जाता है अपना माल, मोहना मंडी। मोहना मंडी बिल जी। तो अब सर वीडियो के लास्ट में किसान भाइयों को ये भी बताएं कि खीरे की खेती में मुख्यतः रोग कौन कौन से लगते हैं? देखो खीरे की खेती में सबसे मुख्य रोग का तो ये है कि जैसे माइट है जी, थ्रिप्स है, फंगस है जी, ज्यादातर ब्लाइट है, ये ज्यादातर रोग लग रहे हैं। इन रोगों से बचाव कर लेगा ना तो किसान सफल हो सकता है। सफल हो सकता, बिल्कुल सफल हो सकता है। तो स्प्रे वगैरह भी करते हो आप इसमें? स्प्रे करते हैं सर। कितने अंतराल पे करते हो सर स्प्रे? सर स्प्रे करते हैं 4 से 5 दिन में। अच्छा, जैसे एक स्प्रे आज कर दिया तो इसके 5 दिन बाद में स्प्रे करना पड़ता। दूसरी स्प्रे करते हो? दूसरी जी। तो कितने दिन की हो चुकी है अपनी क्रॉप सर? ये क्रॉप हो चुकी है सर मेरे 3 महीने की। 3 महीने की। तो हार्वेस्टिंग रोज करते हो इसकी? हाँ, रोज तुड़ाई करते हो? एक दिन छोड़ के एक दिन करता हूँ मैं तो, क्योंकि मेरा ट्यूर लंबा रह गया ना। अच्छा, इसलिए मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करता हूँ मैं। एक दिन का गैप लगाते हो? हाँ। तो करीब करीब एक बार में कितना माल निकल जाता है? एक बार में माल निकल जाता है मेरा, ये मान लो कि 90 से 95 100 तक बार पिछला राउंड में टूटा था मेरे 130 थैली। 130 थैली। करीब एक थैली में कितना वेट होता होगा? एक थैली में वजन होता है 22 किलो का वेट करता हूं मैं। 22 किलो का जी। तो सर अब वीडियो के लास्ट में एक सटीक जानकारी देना चाहेंगे किसान भाइयों को। बोल। एक एकड़ के पोली हाउस में 12 महीने की दोनों फसल से अपना खर्चा कितना हो जाएगा? दोनों फसल का खर्चा हो जाएगा, मैं बताया आपको 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। अच्छा, और 15 से 20 लाख रुपए की बचत हो जाएगी? बचत हो जाएगी। शुद्ध प्रॉफिट? शुद्ध प्रॉफिट 15 लाख रुपए मान लो आप। खर्चा निकाल कर? खर्चा निकाल के दोनों फसल का जी। तो अब आपकी जो जिंदगी, शुरू में आपने बता दी कि काफी संघर्ष भरी रही है, काफी मुसीबत भी झेली आपने, जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। देखिए सर मैंने, आज अब क्या पोजीशन हो चुकी है थोड़ा बताएं किसान भाई। सर मैं सबसे अच्छा हूँ आज टाइम पे, सबके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा कारोबार। अच्छा। सबसे अच्छा सर, मेरे को पहले दुनिया जानती भी नहीं थी कि अग्राम उतार कौन है जी। हाँ, आपके चरणों की वजह से मैं, क्योंकि इस टाइम पे ऑल अराउंड फेमस हूँ, सब जानते हैं मेरे को अकीराम उतार। ये है कि मेरे को गांव में भी नहीं जानते थे पहले जी। बिल्कुल। हाँ, तो एक बार सर काफी सारा अनुभव आपके पास, किसान भाई को सजेस्ट करें खीरे की खेती के बारे में, किसान भाई इसमें कैसे आ सकते हैं, कितना मुनाफा है, किसान भाई को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो बताएं थोड़ा। सर बिल्कुल आना चाहिए इसके अंदर, मैं बोल रहा हूँ कि 100 में से 100% आओ किसान भाई हो। अच्छा, क्योंकि जैसे मेरे से सहयोग लगेगा उतना सहयोग मैं भी करूंगा। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर जी, आज किसान भाई के लिए आपने समय निकाला, काफी अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, राम राम साहब, राम राम साहब। तो किसान भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है काफी अच्छी जानकारी मिली आपको इस वीडियो में। किसान भाई ने स्पष्ट तरीके से अपनी जर्नी भी शेयर की, कितना प्रॉफिट खीरे की खेती से आप कमा सकते हैं वो भी बताया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। राम राम।